नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। और ये जो प्रश्न जिस परीक्षा से लिए गए हैं उसका नाम हमने प्रश्न की दाहिनी ओर लिख दिया है। जैसे कि आप देखें प्रश्न नंबर 1 में NMMSS 2223, इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो प्रश्न है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2223 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निचली भूमि क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जो निचला इलाका है वहां कौन सी समस्या सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन है भूकंप से, भूस्खलन से, बाढ़ से, सुनामी से। तो हम जानते हैं कि ये जो सुनामी है ये तो समुद्र तटीय इलाके में ही आता है, भूस्खलन पहाड़ी वाले इलाके में आता है, भूकंप तो कहीं भी आ सकता है। तो निचला क्षेत्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है बाढ़ से। प्रश्न संख्या 2, उद्भिद एवं प्राणी जगत दोनों मिलकर बनाते हैं। अब एक नया शब्द आप देख रहे होंगे उद्भिद, और ये राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2223 का प्रश्न है। तो यहां उद्भिद का अर्थ है प्लांट यानी पौधे। तो ये पौधे और प्राणी जगत दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जैव मंडल। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की अधिकतर भूमि किसके लिए व्यवहार की जाती है? और ये राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 21-22 का प्रश्न है। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः अधिकतर भूमि जो व्यवहार की जाती है वो खेती के लिए की जाती है, इसीलिए ऐसा कहते हैं। और लोगों का सबसे अधिक लोग जो काम करते हैं वो खेती का ही काम करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व की 90% से भी अधिक जनसंख्या कुल भूपृष्ठ के केवल खालिस्तान प्रतिशत में निवास करती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भूपृष्ठ है उसमें कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियां हैं, और 2/3 भाग में तो समुद्र ही है। तो जो जनसंख्या निवास करती है वो सिर्फ 10% में ही निवास करती है, बाकी जो 90% भूपृष्ठ का भाग है वो निवास करने योग्य नहीं है। प्रश्न संख्या 5, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? पौधा लगाना, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध, पेट्रोलियम का कम उपयोग, उपरोक्त सभी। तो ये आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य करना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, और ये प्रश्न 2023 के क्लास 8 के बोर्ड में आया था। प्रश्न संख्या 7, रक्षक मेखलाएं कहां लगाई जाती हैं? तो ये शुष्क प्रदेश में लगाई जाती है, ये पेड़ों की एक श्रृंखला लगाई जाती है ताकि जो रेगिस्तानी भाग है वो आगे न बढ़े। जल ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो अभी तक जो ज्ञात है तो हमारे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी पर ही जल है,
तो इसीलिए पृथ्वी को हम जल ग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है और यह मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति जो 2023 में हुई है उसका यह प्रश्न है। रोजवुड, चीड़, सागवान, आबनूस। तो शंकुधारी वन में जो महत्वपूर्ण प्रजाति होती है वृक्ष की वो है चीड़, जिसे इंग्लिश में हम पाइन भी कहते हैं। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं। प्रश्न संख्या 10, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? घनत्व कहें तो प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं या औसत निकाला जाता है, तो यह है 382। प्रश्न संख्या 12 है, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, यानी कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो जितने भी हमारे झारखंड की जो क्षेत्रफल है उसमें 29% वन है। और यह प्रश्न है जैक द्वारा जारी बोर्ड मॉडल जो 2023 में जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? वनोन्मूलन, समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, फसल आवर्तन। तो यह है वनोन्मूलन, यानी वनों का उन्मूलन, यानी वनों की कटाई। ये इससे मृदा का संरक्षण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 14, जल ग्रह किसे कहते हैं? समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। तो इससे पूर्व भी हमने यह प्रश्न देखा था, तो यह है पृथ्वी। भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? यह 60% भाग है। यह भूमि की बात हो रही है, आप ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 16, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? स्वामित्व के आधार पर भूमि को हम दो भागों में बांटते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का अर्थ यह हुआ कि उसका स्वामित्व किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में होता है, लेकिन सामुदायिक भूमि का अधिकार पूरे समाज का अधिकार होता है। प्रश्न संख्या 17 है, जल आपूर्ति की कमी के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता नगरीकरण, नगदी फसलों की बढ़ती मांग, उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों 1, 2, 3 में जो कारक बताए गए हैं ये सभी हैं उत्तरदायी। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? पहले ये समझे कि मृदा किसे कहते हैं। ये जो ऊपरी भाग है हमारा भूमि का वही मृदा कहलाता है, जिसमें ह्यूमस होता है और जो पौधे प्राणी जो सड़ जाते हैं वो सभी इसी में होता है। तो इसका 1 सेंटीमीटर बनने में लगता है सैकड़ों वर्ष। भारत में कितनी भूमि पर वन है? तो यह है 22%। प्रश्न संख्या 20 है, महासागरों ने पृथ्वी के कितने भाग को ढक रखा है? 2/3 भाग, यानी लगभग 70% या 71% कह सकते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मृदा का निर्माण में 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? वर्षा,
जलवायु, समय, तो ये इनमें से सभी कारक मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये थे इस पाठ से भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पाठ के 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि ये प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वो राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति हो या मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति हो या वर्ग 8 के बोर्ड परीक्षा हो या वो कोई भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।